बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीच को मैं प्रार्थना करूंगा कि नारियल तो बढ़ाएंगे लेकिन आप थोड़ा पूरे मुंबई के लिए एक शब्द है। जब से मैंने उत्तर मुंबई में चुनाव के लिए आना प्रारंभ किया, नामांकन भरा, तब से ही यहाँ के ट्रैफिक की समस्या की वजह से घंटों वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जैम, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ। और अभी तो रात के 12 बजने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है गाड़ियों को। तो लाखों लोगों को रोज जो झेलना पड़ा है और वर्षों तक झेलना पड़ा, जिस धीमी गति के साथ ये कार्य चल रहा था चुनाव के दिनों में, देख के बड़ा दुख हुआ। और मैंने वादा किया था कि नई सरकार मोदी जी के तीसरे टर्म में हम तेज गति से पहले 100 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे और मुंबई करों के लिए निजात देंगे इस रोज के ट्रैफिक जाम से। चुनाव के परिणाम के बाद 9 तारीख को हमारी सरकार बनी, आज ठीक 3 महीने पूरे हुए। मैंने लगभग 5 या 6 बार निरीक्षण किए इस जगह का, चाहे वो MMRDA के अधिकारी हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, उनके साथ लगातार दिल्ली से भी मेरा संपर्क बना रहा प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए। BMC हेडक्वार्टर में हमने मीटिंग की थी म्युनिसिपल कमिश्नर, MMRDA के CEO, माडा CEO, ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर सभी के साथ, कलेक्टर मुंबई सबर्बन सभी के साथ। और तब 10 सितंबर तक ये काम पूरा होना चाहिए बिना कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करे। तब वैसे बोलो कि 31 अगस्त की डेट दे रहे थे, मैंने कहा 10 दिन ज्यादा लो लेकिन कोई गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज मत करो, अच्छी सड़क जिससे सब ये ट्रैफिक की समस्या कम हो और इसका इम्पैक्ट पूरे मुंबई भर में होगा, पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अनक्लॉग होगा। और 3-4 बॉटलनेक मुंबई के मेरी लगातार ट्रैफिक पुलिस के साथ चर्चा चल रही है, वकोला पे क्या करना, BKC में क्या करना, चूनाभट्टी में क्या करना, जिससे मुंबई करों के लिए हम ट्रैफिक की समस्या से उनको निजात दिलाएं और मुक्ति दिलाएं। मुझे बड़ा आनंद है कि समयबद्ध तरीके से आज 10 सितंबर को हमारे 100 दिन के अंदर, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर, ये डबल इंजन की महायुति की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की NDA की सरकार ने मिलकर
इस काम को पूरा किया। अब ये कल सुबह से रोड जनता की सेवा में आ जाएगी।